आज बात करते हैं विश्व का महाचुतिया फेस्टिवल वैलेंटाइन वीक के बारे में। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। हेलो, आई लव यू। तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारा यूथ बिना सोचे समझे मनाया जा रहा है। जब वैलेंटाइन वीक नहीं था तब हमारे देश में लोग प्यार नहीं करते थे, तुमसे अच्छा और टिकाऊ प्यार करते थे। यूं ही नहीं, सोनी महिवाल, सीरी फरहाद जैसे फिल्में बनाई गई थी। प्यार के नाम पे ना तुम लोग को चुतिया बनाया जा रहा है। 5 का गुलाब 25 में ले लो, 20 का काट 100 में ले लो, बड़ी बड़ी कंपनियां ना अपना धंधा खोल के बैठी हुई है। हमारे देश के सो कॉल्ड गांडों को लगता है ना कि प्यार से जात पात मिटाया जा सकता है। क्यों मिटाना है जात पात? क्या खराबी है जात पात में? तुम्हारे माँ बाप पैदा करके तुम्हें प्यार करने लायक बनाए, उनके लिए प्यार का दो शब्द नहीं निकलता। अब पूरा वीक प्यार 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 चिल्लाते रहते हो, किसको खुश करना है? साला जो तुमको पैदा किया वो खुश ही नहीं है, तो तुम किसको खुश करने चले हो? हेलो, आई लव यू। तुम उसको अगर जान भी दे दोगे तो वो तुम्हारा कभी भी नहीं होगा। इतना तुम लोग प्यार कर ही रहे हो, पूरा वीक प्यार करते हो, तो ओल्ड एज होम में किसके माँ बाप पड़े हुए हैं? किस प्यार की सजा उन्हें मिलती है? क्या आप भगवान को मानते हो? अगर हाँ तो किस भगवान को मानते हो और क्यों मानते हो? आज हिंदू खासकर नई पीढ़ी पतन की ओर है। मुस्लिम और बौद्ध आंख मूंद कर अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन जीजस को मानते हैं, और फिर आते हम हिंदू अपने संस्कार, अपने धर्म, अपने भगवान को छोड़कर विदेशी परंपरा के पीछे भागा जा रहा है। जितनी बेसब्री से वैलेंटाइन वीक का इंतजार करते हो, उतना का आधा से आधा परसेंट भी अपने त्योहारों पे करते, तो आज हमारी कहानी कुछ और होती। जिस देश का वैलेंटाइन डे है उस देश के लोग भी इतना सेलिब्रेट नहीं करते जितना हम मरे जा रहे हैं उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करने में, उनके त्योहारों को मनाने में। अमेरिका कौन सा हमारा दुर्गा पूजा मनाता है? चीन कौन सा हमारा होली मनाता है? और जापान कौन सा हमारा दीपावली मनाता है? हमारे यूथ पगलाई चल रहे हैं 14 फरवरी को लेकर। जितना मेहनत लड़की पटाने में करते हो, जितना मेहनत 14 फरवरी पे करते हो, उतना से आधा भी स्टडी पे किए रहते ना, आज आईएएस आईपीएस बन गए होते। सिंगल लड़कों का दुख तो 7 दिन रहता है, तुम्हारा 365 दिन और 24 घंटा नरक बन जाता है। साला तोतला बनकर घूमना पड़ता है, बाबू सोना लहसुन करना पड़ता है, खाना खाया नहाया हगा मुता सब। 14 प्रकार के बहाने होते हैं जब अपने त्योहार आते हैं। दशहरा में भीड़ होता है, दीपावली में शोर होता है, होली में चेहरा खराब हो जाता है, और जब बाबू को लूटना रहता है 7 से 14 परफेक्ट याद रहता है कि दबाकर काटना है। पूरे साल लड़के नुक्कड़ पे बैठकर चाय और बिस्कुट खा के पैसे बचाते हैं, और 1 सप्ताह में ऐसे उड़ा देते हैं जैसे बाप KGF 2 का डायरेक्टर हो। तुम्हारे वैलेंटाइन डे की माँ की आंख, सरस्वती पूजा में 50 रुपया मांगो तो तुम्हारे गांव में तितैया काटने लगता है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये ड्रामा देश को ले डूबेगा। बीच सड़क पर प्रपोज मारना, कान नाक पकड़ के माफी मांगना, इससे अच्छा साले तुम कुंवारे रह लेते। और जिस अंदाज से तुम्हारा गुलाब पकड़ी है ना बेटा, जाके तुम कुत्ता बनोगे। तुम्हें लगता है ना तुमने गुलाब देके तीर मारी है, तो बाबू तुमने तीर नहीं मारी, तुमने उड़ते हुए तीर अपने पिछवाड़ा में लिया है जो अगले 14 फरवरी तक वहीं रहेगा। अंगूठा लगवा ले। भाई ने तो बाई में माला पहना दिया है, अब खिलाओगे क्या पिछवाड़े का गुदा? एक दिन इधर का। कहां से गांडू लोग को मिल भी जाती है? बाबू तुम भी पढ़ लेते और इसको भी पढ़ा देते स्कूल ड्रेस में। क्या हो रहा है भगवान देश में? पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी तुम्हारी। लास्ट में बस इतना कहेंगे ना, प्यार डेट का मोहताज नहीं होता, जो प्यार डेट का मोहताज होता है वो प्यार नहीं होता। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद।